मना किया था ना आपको पापा से मिलने के लिए, मना किया था कि नहीं सॉरी, फिर क्यों मिलने गए थे हमसे? झूठ बोलकर छुप छुप के पापा से मिलने क्यों गए थे आप? आपको इतनी बार वार्न किया था कि पापा से मिलने नहीं जाएंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे, बात नहीं सुनेंगे, फिर क्यों मिले? क्यों गए थे सॉरी? जवाब दो, चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों मिले थे आप पापा से? जवाब दीजिए। मैं क्यों नहीं मिल सकता पापा से? क्यों मना कर दिया आप मुझे उनसे मिलने के लिए? वो हमारे पापा हैं, वे क्यों नहीं मिल सकते हम उनसे? आप हमसे सवाल करेंगे शौर्य? अब अपनी माँ से पूछेंगे आप? तो सुनिए, आपके पापा सही नहीं है शौर्य, समझे? समझे आप? गलत इरादों से मिलते हैं वो आपसे, हमें तंग करने के लिए मिलते हैं वो आपसे, आपको बहकाते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं शौर्य, आप पे कितना डिपेंडेंट है, और हमें परेशान करने के लिए वो आपको बहकाते हैं शौर्य। कैसे समझाएं हम आपको शौर्य? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको पापा से मिलने की? क्या हम आपको खुश नहीं रखते शौर्य? क्यों गए थे आप पापा से मिलने? क्या कमी छोड़ी थी हमने आपको देने के लिए? क्या नहीं करते हम आपके लिए शौर्य? जो बन पड़ता है सब करने की कोशिश करते हैं, आपको सारी खुशियां देने की कोशिश करते, पर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों गए थे आप पापा से मिलने? अपनी माँ का विश्वास क्यों तोड़ा आपने शौर्य? आप जानते हो बेटा, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है शौर्य। आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती, फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला शौर्य? जवाब दीजिए। मम्मा पापा भी मुझे प्यार करते, बहुत प्यार करते मुझसे। हम कम प्यार करते हैं आपसे शौर्य? नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि आप ही मुझे प्यार करो। पापा प्यार करते तो आपको अच्छा नहीं लगता? वे सब बताया पापा ने, वे सब बहुत प्यार करते, दादू दादी चाची मंदिरा सब, लेकिन आप नहीं चाहती कि कोई मुझे प्यार करे, और नहीं मैं किसी और से मिलूं। समझ नहीं रहे शौर्य, कैसे समझाएं हम आपको?